नमस्कार, वेब दुनिया समाचार में आपका स्वागत है। पेश है आज की प्रमुख खबरें। मोदी इंटरनेट पर सबसे प्रभावशाली व्यक्ति। कूटनीति के लिए अक्सर सोशल मीडिया का इस्तेमाल करने वाले नरेंद्र मोदी को इंटरनेट स्टार बताते हुए टाइम पत्रिका ने कहा है कि भारतीय प्रधानमंत्री इंटरनेट पर सबसे प्रभावशाली व्यक्तियों में शामिल हैं। पिछले साल पाकिस्तान दौरे के बारे में ट्विटर पर मोदी की अपरंपरागत घोषणा का हवाला देते हुए पत्रिका ने उन्हें इस साल लगातार दूसरे वर्ष गैर सूचीबद्ध सूची में इंटरनेट पर सर्वाधिक प्रभावी 30 लोगों में शामिल किया है। इस सूची में अमेरिका के राष्ट्रपति पद के चुनाव के लिए रिपब्लिकन पार्टी की उम्मीदवारी के दावेदार डोनाल्ड ट्रंप, रियलिटी टीवी स्टार किम कर्दाशियां एवं उनके पति कान्ये वेस्ट, लेखिका जेके रोलिंग, पूर्व ओलंपिक एथलीट कैटलिन जेनर और फुटबॉल खिलाड़ी क्रिस्टियानो रोनाल्डो शामिल हैं। मोदी के बारे में टाइम ने कहा कि दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र के नेता मोदी ट्विटर पर अपने 1.8 करोड़ फॉलोअर और फेसबुक पर 3.9 करोड़ लाइक्स के साथ इंटरनेट स्टार हैं। विजय माल्या से पाई पाई वसूलेंगे बैंक, अरुण जेटली ने कहा। कर्जवाद में फंसे उद्यमी विजय माल्या के देश से भागने को लेकर उठे विवादों के बीच वित्त मंत्री अरुण जेटली ने गुरुवार को कहा कि बैंक उनसे ऋण की पाई पाई वसूलेंगे और माल्या जहां भी कानून का उल्लंघन करते पाए जाएंगे जांच एजेंसियां उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई करेंगी। लंबे समय से बंद पड़ी किंगफिशर एयरलाइंस के प्रवर्तक माल्या 2 मार्च को देश से बाहर चले गए। अनुमान है कि वे लंदन में हैं। उनकी समूह कंपनियों पर 9,000 करोड़ रुपए से अधिक के कर्ज के बकाए की वसूली से जुड़ी बैंकों की याचिका पर उच्चतम न्यायालय की सुनवाई के कई दिन पहले ही वे से निकल चुके थे। बस हादसे में 14 तीर्थयात्रियों की मौत। सऊदी सीमा के निकट दक्षिणी जॉर्डन में एक बस के पलट जाने से उसमें सवार 14 फिलिस्तीनी तीर्थयात्रियों की मौत हो गई और 36 अन्य घायल हो गए। जॉर्डन के असैन्य सुरक्षा अधिकारियों ने बुधवार को बताया कि अम्मान से करीब 320 किलोमीटर दक्षिण में चालक ने वाहन पर से नियंत्रण खो दिया। उन्होंने घायलों की गंभीर हालत के मद्देनजर मृतक संख्या बढ़ने की आशंका जताई है। यह समूह उमरा की धार्मिक यात्रा के लिए सऊदी अरब जा रहा था। रिपब्लिकन पार्टी के लिए मौत की घंटी है ट्रंप का उदय, बॉबी जिंदल ने कहा। भारतीय मूल के अमेरिकी नागरिक और लुइसियाना के पूर्व गवर्नर बॉबी जिंदल ने कहा है कि राष्ट्रपति पद की उम्मीदवारी के लिए रिपब्लिकन दावेदार के तौर पर रियल एस्टेट के दिग्गज डोनाल्ड ट्रंप का उदय पार्टी प्रतिष्ठान के लिए मौत की घंटी जैसा प्रतीत होता है। जिंदल व्हाइट हाउस की दौड़ में शामिल 17 रिपब्लिकनों में से एक रहे हैं, लेकिन समर्थन के अभाव में इस दौड़ से हट गए थे। ट्रंप के सबसे अधिक मुखर आलोचकों में से एक रहे जिंदल ने कहा कि ट्रंप को राष्ट्रपति पद का उम्मीदवार बनने से रोकने के लिए ब्रोकर्ड कन्वेंशन करवाना पार्टी नेतृत्व की साख को और कम ही करेगा। बम रखे होने की सूचना पर IGIA में रोकी गई 2 उड़ानें। दिल्ली के इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे में गुरुवार दोपहर 2 विमानों में बम रखे होने की चेतावनी मिलने पर हड़कंप मच गया, जिससे 2 उड़ानों को तत्काल रोकना पड़ा। हवाई अड्डा अधिकारियों के अनुसार किसी अज्ञात शख्स ने हवाई अड्डे का रखरखाव करने वाली कंपनी डायल के गुड़गांव स्थित कॉल सेंटर में फोन करके 2 विमानों में बम रखे होने की सूचना दी। इनमें से एक विमान नेपाल एयरलाइंस का और दूसरा एयर इंडिया का था। CSF के जवानों को फौरन सतर्क कर दिया गया और नेपाल एयरलाइंस की काठमांडू जाने वाली उड़ान संख्या RA-206 और भुवनेश्वर जाने वाली एयर इंडिया की उड़ान संख्या 075 को तत्काल रोक दिया गया। दोनों विमानों में करीब 300 यात्री सवार थे। ये थे अब तक के मुख्य समाचार। और ज्यादा जानकारी के लिए लॉगिन कीजिए हमारी वेबसाइट www.webdunia.com। नमस्कार।